अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बोझदार रिएक्ट। आज फिर हम हाजिर हैं अपने एक भाई के साथ और एक अपने कजन के साथ, रिपोर्ट किए गए रिएक्टर और बहुत बड़े आप एक्टर भी हैं, अक्सर मुकाबलों में मुंसिफी भी करते हैं, बहुत अच्छे शायर भी हैं आप। शायद बोझदार को हम अपने चैनल पर वेलकम करते हैं। शायद भाई आपको बहुत वेलकम। मेरे को अगर किसी ने ढूंढना है तो गूगल पे, बहुत बेहतरीन रिएक्टर है, मुख्तलिफ चैनल पर आपको दिखते होंगे। तो आज फिर हम अपनी एक वीडियो पर रिएक्ट करने लगे हैं। शायद भाई किस हवाले से वीडियो? ये भी एक कोई तमिल मूवी है, तो इसमें कोई डॉक्टर के सीन है। ये कोई आर्ट स्पेशलिस्ट है, डॉक्टर से तो हमें कुछ और हमारा नहीं नहीं, वो हीरो भी है, डॉक्टर भी है और हीरो भी है। सही, उसमें मुनासिब रहेगा, ऑल इन वन है। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ जी। और ये चढ़ा नहीं चल रही भाई, अब चलाएगी ना, आज नहीं चलेगी। 1 2 3 वाशा, इसका मतलब है आप लोगों ने अपने कंप्यूटर को बता रहा है कि हेलो डायरेक्टर सपरेश बाबू इकड़ो ना, इक कंडीशन चला सीरियस है, होते मैं तो है 15 నిమిషాలు మీ దగ్గర ఉంటా డాక్టర్। ओके डॉक्टर, थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू। यार इसको इसकी लैंग्वेज को डब में लगा देते। हां ये तो ऐसे लग रहा है कि कोई हम इंडियन की कोई अरबी दे रहे हैं, इमरजेंसी ये सब समझ आ रहा है। ठीक है, लकड़ी का हाथ लेके जा रहा है, प्लास्टिक का लग रहा है। मतलब इतना बड़ा जिसका हार्ट होगा तो उसके गुर्दे कितने बड़े होंगे। फिटिंग खराब है यार बंदे की, क्या करें। एक किडनी दे दे तो हमारी तो पूरी जिंदगी सही चल जाएगी इसके साथ। ये क्या हुआ भाई? ये तो गया। ये हट के साथ फुटबॉल खेल रहे हैं, ये गोल कर दिया आपने, दिल के साथ खेल रहे हैं यार, दिल दिलों के साथ नहीं खेलना चाहिए। ये जो इनकी एक्शन होती है ना, तो इसकी वजह से इनकी मूवियां यार अभी इसको दो लोहे के डंडे पड़े हैं तो कुछ भी नहीं हुआ। कैसे उड़ गया ये देख तो लोहे के डंडे कुछ नहीं कर रहे थे, जिस जगह लगी आवाज तो वैसी नहीं है, आवाज तो शीशे की। वो लोहे के डंडे कुछ नहीं कर रहे थे और वो टांगों में सबको उड़ा रहा है, ये बंदा नजर भी नहीं आ रहा, इसके मुंह पे टारा छा रहा। ओ ये तो रन जगह पे मार रहे डाते। अगर इसी हीरो इसी विलन को हम बॉलीवुड मूवीज में ले जाए तो क्या बात करते हैं, अबे मूवी फ्लॉप हो जाएगी। अभी तो कह रहे ओ, अब यहां से ये हाथ को फेंक देगा और ये सीधा, यार ये हो क्या रहा है, और ये अगर मैं 6 रन और एम्पायर को 2 रन और भी देने चाहिए, सीधा ये 8 रन मिल गए। यार ये तो सरकार मुर्गी का रान उड़ के आ रहा है, जो भी हुआ वो बंदा तो गया और हार्ट को ये इस्लाम पेशेंट के लिए अच्छा हो गया, कहीं से भी आया सिलाई कर रहे अभी एक कौन से टांके लगा रहा है, जिस हिसाब का हार्ट था ना उस हिसाब के टांके मार रहा है बेचारा। सप्पू यू आर अ जीनियस। क्या बात है सप्पू? बस सप्पू किधर है? समझ आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तेरे तो गुप्त आविष्कार जैसा नंटुना तप्पू, ఈ దేశంలో పుట్టిన మహర్షులు వేదాలలో అందించిన గొప్ప రహస్యాలలో ఉన్న చిన్న ఆవిష్కరణే వీడియో ఎండ్ అవుతుంది। क्या कह रहे हैं यार, क्या कह रहे हैं लोग, क्या कहना चाहेंगे यार इनके जो ये ओवर से भी ओवर रेटेड में, यही होनी चाहिए इनकी मूवीज के लिए। अगर ये ठंडे पड़ गए ना तो नहीं, आप खुद देखे वो बंदर दिल बना रहा है, लेके जा रहे हैं उसको, बंदे मार रहे, दिल उड़ के वो अस्पताल में पहुंच जाते हैं। इसका मतलब कैसे होता है? डॉक्टर बिना भी मारे सुबह यूज कर रहे हैं ना, पता नहीं कहा दवाइयां छोड़ रहा है, सुए घुसा रहे उसके, डॉक्टर खुद परेशान हो गए कि मेरे को उन्होंने क्या पकड़ा दिया डायरेक्टर ने। अच्छा है, अच्छा है यार, होता रहना चाहिए इसे। पर इनकी मूवियों में ना ऐसे है ना वो माहौल बना रहता है, वो बच्चा यादव कहते हैं ना ऐसा आते है ना कॉमेडी फैल जाती है। हाँ ये ऐसा माहौल लगा रहना चाहिए,
इस तरह की मूवियां आप भी देखा करो ना, तो आपका जो हाफजा है ना तेज हो जाएगा इनकी मूवियों यार। मैंने यही तो देखता था मैं, फिर आप कुछ भी कर लो, आपके इनके ना हीरोज के नाम याद। मैं कई मतलब कई जगहों पे मैं जाके इनकी वजह से फेमस हुआ यार। इतना ज्ञान यहाँ से मिल रहा है इनकी मूवियों से, रोजी रोटी के लिए पाकिस्तान में सिनेमा में चलती है ये। हाँ यार उस दिन रश लगी हुई थी, मैं गया 8 नंबर के पास स्टेडियम उधर। अच्छा ये मूवी नया सिनेमा बना था। हाँ, ये मूवी इधर इतनी चलती है।